क्या बोले क्या बोले क्या बोले। अरे यार मेकअप आईब्रोज कर लेती हूँ मैं, ज्यादा हो गया कलर हो गया ओवर 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 ओवर। अरे जल्दबाजी में मैंने उसमें जेल वाला लगाया तो ओवर हो गया, मैं क्या करूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक जगह घुमाने ले जा रही हूँ, और आज अर्जुन का जो पूजा वाला क्या बोलता पढ़ाई वाला तो पूजन करवाना है। जो 2.5 साल का हो गया है तो अगले साल 3 साल का हो जाएगा, स्कूल कोरोना की वजह से खुले नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना अर्जुन का पूजन करा दूँ। अर्जुन का बैग रेडी है तो इसको पंडित जी से जाके कुछ पूजा करवा दूँ छोटी सी। इसके बाद अर्जुन जब जाएगा तब जाएगा स्कूल, तब तक वो घर में थोड़ा बहुत सीखेगा पढ़े लिखेगा। और तो हम रेडी हो गए हैं इस तरीके से, ये नीचे कार में रख देना जाके, जीजा जी को दे देना कबर का ये उसका गाड़ी में जो ना कोयल कोयला रखा क्या रखा कोयल। चलो हम ऊपर बंद है लगभग, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अर्जुन का वो करवाने, क्या बोलते हैं उसको यार पूजन। लाइट बंद कर दी मैंने, जो वो पूजा होती है जैसे अर्जुन 2.5 साल का हो गया है ना, तो वो क्या पढ़ने के लिए जो होता है कोरोना चल रहा है तो हम लोग वो स्कूल तो नहीं भेजेंगे, पर पंडित जी से लेके उसका वो बुक्स वगैरह लेके उसका पूजन बैग वैग करवा देते हैं ना, जैसे कि अगले साल हो जाएगा, चौथे साल में हो जाएगा, तो फिर वही जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करने जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मेकअप आईब्रोज कर लेती हूँ मैं, ज़्यादा हो गया कलर ओवर 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 ओवर। अरे जल्दबाजी में मैंने उसमें जेल वाला लगाया तो ओवर हो गया, मैं क्या करूँ। तो हम लोग यहाँ घर से निकले और साईं मंदिर पहुँच गए थे, और वहाँ पे मैं फूल माला ले रही थी। आजकल तो प्रसाद का भी ठेला नहीं लग गया था क्योंकि आज सैटरडे था, और सैटरडे को हमारे शहर में क्या इवन पूरी यूपी में लॉकडाउन रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ठेला नहीं था प्रसाद का, और मैं घर से ले जाना भी भूल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फूल वगैरह ही ले लेती हूँ, फूल माला वगैरह ले लिया था मैंने यहाँ से। और ये देखो डिनर जा रहे थे आगे, मैं पीछे पीछे जा रही थी। और आज साड़ी मैंने पहनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी, तो यहाँ पे अर्जुन का रहा है पूजा संग, क्योंकि अर्जुन का हाल मैंने वही बोला ना आपको कि अर्जुन का पूजा करवानी थी, वो पूजा इन द सेंस पूजन किताब वगैरह का पूजन करवाना था, क्योंकि अर्जुन कोरोना चल रहा है तो कोरोना में तो स्कूल जा नहीं सकते बच्चे, लेकिन वो रिचुअल्स था कि 3 साल के अंदर बच्चे को हम लोगों को होता है कि 3 साल के अंदर बच्चों का आपको पढ़ने के लिए भेजना होता है। अगर 4th साल में स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा मतलब कि अच्छा नहीं बोलते हैं, मतलब 4th साल अच्छी नहीं होती बात जो भी होता है, 5 साल ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज ही कराते हैं। और वैसे भी आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन वैसे भी बहुत बहुत अच्छा दिन था, तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि आज के दिन अर्जुन का पूजा वगैरह करा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। और मैं साईं बाबा को बहुत 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 जितनी बात मतलब जितना भी बोलूँ मैं उसे कहीं ज़्यादा मानती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं जो साईं बाबा की वजह से हुई, तो यहाँ पे अर्जुन बहुत बहुत मतलब समझता है कि साईं बाबा की पूजा करनी है, साईं बाबा को क्या करना है, तो उसे पता है इतना। तो आगे आप ब्लॉग को एंजॉय करिए। किसको जो बोले साईं बाबा की जय जयश। रुक जा अर्जुन, थोड़ा पहले तब तो चले अंदर चलो कर दो, थैंक यू। चलो अर्जुन हम लोग घर वापस चलते हैं। वो साबू राम जानकी मंदिर खुला हो क्या? बहुत दिन से राम जानकी मंदिर नहीं गए हैं, कब गए थे? जूली कुछ में गए नहीं नहीं थे के बाद गई हो, तुम्हारी साल गिरा है तब गई रहा हूँ। नहीं कोरोना चल रहा था तो पर साल गई हो कितने साल गई जब हुआ गई रहा 2-3 साल हो गए नहीं। तो हम आपको भी दिखाते हैं ये मंदिर, इस मंदिर में ही हमारी शादी फिक्स हुई थी बाबा, पता है इसी मंदिर में हम जी मिले थे पहली बार। अज्जू पता है इसी मंदिर में हम पापा से मिले थे पहली बार, पापा ने मुझे बहुत सुना है ना। चलाओ हाथ पर धुल लेते हैं। चलिए 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 सो अरे बीच में बंद होता है। चलो जो हम लोग चलते हैं आइए। स्लीपर तो उतार दो। हाँ जो स्लीपर उतार दो। तो इस मंदिर में हवा नीरज पहली बार मिले थे, तो ये है हमारे यहाँ का राम जानकी मंदिर। घंटे सारे बंद करके रखे हैं,
बहुत टाइम बाद मैं इस मंदिर में आई हूँ, आई थिंक तो साल हो गया है। और देखिए ज़िंदगी की शुरुआत मैंने यहीं से की थी मेरे साथ। तो ये है वो खूबसूरत सा मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ कि बीच में जो राम सीता बैठे हैं, इधर आई थिंक दुर्गे मैया हैं, इधर हनुमान जी हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ जब मैं बैठी तो यहीं इसी जो ये फॉर्स है इस पर मैं बैठी हुई थी। दीदी लोग थे, मेरे फैमिली से लोग थे, तो सब लोग यहाँ मिले, बातें बातें हूँ, शादी फिक्स हो गई और मैं यहाँ। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे ही मेरी शादी, जब मुझे प्राइवेट देखा गया था तो मेरी सारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो हम लोगों को पहली बार जब मिले थे यहाँ पे प्राइवेट देखा था, तो मैं इसी मंदिर में मिली थी। इसके पीछे कुछ ऐसे राउंड टाइप का गैलरी टाइप की बनी हुई है, जिसमें लोग राउंड लगाते हैं, जो परिक्रमा बोलते हैं, वो बनी हुई है। तो वहीं पे हम लोग मिले थे, हम लोगों ने बातें की थी। तो हमारे बीच में कभी एक नॉर्मल बात नहीं हुई थी, हम लोगों की बातें भी मतलब बोलते ना इस तरीके से, मतलब एटीट्यूड में एक दूसरे बहुत एटीट्यूड में थे हम दोनों लोग, और कुछ इस तरीके से ही हमारी बात हुई थी एक दूसरे से। तो मतलब बहुत एक दूसरे को इम्प्रेस नहीं किया था हम लोगों ने, कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया एक दूसरे से, हो गए हो इम्प्रेस कि नहीं यार, हाँ आप लड़के की शादी करनी है, फिर लड़के की शादी करनी है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर फाइनली फिर घर में बात बात हुई और हमारी शादी, फिर घर में भी बात बात हुई और घर में से पूछा भी गया कि मतलब कैसा था लड़का, क्या था। मैंने बोला लड़का बहुत खड़ूस टाइप का था और मुझे पसंद नहीं आया, मतलब उसकी बात करने का तरीका जो भी था, मतलब बहुत एटीट्यूड था, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स वाज, बहुत सारी चीज़ें थी मैंने घर में बोली हम, मैंने जी जो मेरे छोटे जी वो करवाना चाह रहे थे शादी, बट इस तो के चीज़ें हुई बाद में, वो समझाया गया मुझे कि नहीं नेचर होता ही है वो फलाना दिमाका एवरी थिंग इज। तो फिर बाद फाइनली शादी तय होती, दो दिन बाद शादी तय होगी, इंगेजमेंट हुई, शादी हो गई। अब मैं बहुत 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 खुश हूँ हम दोनों के बीच में, बहुत अंडरस्टैंडिंग। और ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत मंदिर है, और मैं इस मंदिर में 2 साल बाद आई हूँ, यह मेरा आयुष रिकॉर्ड। फुल व्यू मैं दिखा देती हूँ मंदिर का, आप जल्दी चलो घर पे, मंदिर बंद होने वाला है ये कहा जा रहा था, मंदिर बंद होने जा रहा था, टाइम ओवर हो गया था, 9 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। ये आयुष जी तुम बीच में कहा जाते हो, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और हो गया जू का पूजन। हाँ फिर आएंगे श्री राम अंकल। चलो चलो क्या कहा, बाय कहो माता, हम लोग घर चलेंगे। क्या हुआ अज्जू? अच्छा स्लीपर, अज्जू अपनी स्लीपर, अपना बैग, अपना सामान नहीं भूल सकते कहीं, अज्जू की खास आदत है। ओके ये देखिए मेरा सरप्राइज। चलो अज्जू किसको उधर, चलो बैठते हैं हम लोग गाड़ी में। ड्राइवर सर बंद करिए। चलो हम लोग जा रहे हैं बैक टू होम, अज्जू का हो गया है पूजन पाठन सब, अब अज्जू आज से लिखेंगे। अज्जू आप क्या क्या लिखोगे बेटा, आप क्या क्या लिखोगे, ए बी सी डी और टिंकल टिंकल। अब क्यों चुप हो गए हो, अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, देखिए उजाला आया। अब तुम सही हो गए हो, ओके अभी क्या हुआ था आपको, सोचने दे, क्या सोचने दे? मैं गड़बड़ हो गई थी, कोई
कोई गड़बड़ हो गई थी? क्या गड़बड़ हो गई थी? क्या गड़बड़ हो गई थी बेटा? हो गई थी। कौन सी हो गई थी? तो भाई अर्जु की कोई गड़बड़ हो गई थी इसलिए अज्जू शांत हो गए थे, लेकिन अभी वो गड़बड़ बिल्कुल सही हो गई है तो अज्जू बोलने लगे हैं। अज्जू तुम्हारी बातों की कोई वह नहीं है, अज्जू कुछ भी बोल सकते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। बुकिंग प्रारंभ। क्या बेटा? Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside. बोल देती हूँ गुलाबी आंखें जो तेरी देख दे तो दिया मैंने वो पर भिजवाया था। रुको मैं डोर खोल लूँ। ला दो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभाल लो मुझको। अरे यार प्रसाद डिवाइड कर रही हूँ सबके लिए, क्योंकि सबको इक्वल इक्वल इन द सेंस इक्वल वाला वो इक्वल वाला इक्वल नहीं, मतलब सबको हो जाना चाहिए क्योंकि हाँ मैं आयुष से अर्जुन था तो सबके लिए मैं अलग अलग लगा के रख रही थी कि सब लोग खा लें उसको। और इसमें कचौड़ी थी, खस्ता कचौड़ी थी एंड मालपुआ था, घेवर था, मतलब बड़ा डिलीशियस टाइप का प्रसाद था। मतलब वो बोलते ना कि एक फूडी के लिए, मेरे जैसे फूडी के लिए तो मतलब प्रसाद भी, मतलब एक क्या बोले यार, मैं तो बस चले तो मैं कितना भी खा लूँ कितना भी खा लूँ। और तभी खा खा के इतना बुरा हाल हो गया है, अभी मुझे अपनी प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना है। खट्टा है इसका मसाला, बहुत खट्टा है। तो ये कुछ खाने में क्या बनेगा? क्यों खाने में सब्जी रखी है सुबह वाली? रोटियां सेक देते हैं, दाल चावल तो सुबह बना लेंगे ना। आयुष आओ। फिर चाय खा लो क्या? यहाँ पे मैं अपना मोटापा देख रही थी, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। दिन बाद मैंने इतना वेट लॉस किया था बट इस टाइम मैं इतनी केयरलेस हो गई हूँ, बिल्कुल भी अपने वेट पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। पर से ही डाइट स्टार्ट, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। रोटी बना दो, सब्जी रखिए।
हमें क्या पता, तुम जो बताओ वहाँ खाओगे नहीं आप क्या? क्या आज अर्जुन को एक दो दिन का शौक लगेगा अब। हाँ, एक दो दिन। आयुष क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। चलो बेटा हम तो कदम कुछ बनाए ही नहीं, खाओगे नहीं क्या? भूखे रहोगे खाले मालपुआ का है? नहीं खाने, हम खा लेते हैं। वेट लॉस जल वेट भरने का एक कारण है जो भी मिले पेट के अंदर, और तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लग रहा था कि जो बैक पे फैट दिखता है वो दिखने लगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और अब मैं सच में प्रॉपर डाइट करने वाली हूँ, जो मैं अपने रेगुलर डाइट जो मेरी है वो करूँगी। तो मैं किचन में एंट्री हो गई है, तो मैं अभी कपड़े चेंज नहीं करूँगी, थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ गैस से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रील्स बनाने हैं, रील्स बनाऊँगी इसके बाद ही मैं किचन में सॉरी कपड़े चेंज करूँगी, वरना फिर दोबारा पहन नहीं पाऊँगी। एक तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, अगर मेकअप किया तैयार हूँ तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं सब्जियाँ रखी हुई हैं सुबह की, मैंने बनाई थी तो खर्च नहीं हुई है, तो वही निकाल लेती हूँ। बाकी मैं रोटियाँ पूड़ी कुछ भी सेक लेती हूँ, सब लोग खा लेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का।